हाय फ्रेंड्स, आई स्तुति फ्रॉम ई विद्यार्थी। और इस सेशन में हम सीखेंगे क्लास 11 चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए अकाउंटिंग, यानी क्या क्या इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज पास होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम वो सीखेंगे इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रांजैक्शंस। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट पे गुड सेल हुई है तो उसकी क्या क्या एंट्रीज होंगी देखते हैं। ड्रॉअर के बुक्स में और ड्रॉई के बुक्स में हम अलग अलग एंट्रीज देखेंगे। ड्रॉअर मतलब जो सेलर होता है, तो सेलर क्या एंट्री पास करेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो वही बेसिक सी सेल्स की, क्रेडिट सेल्स की एंट्री है। वही डेटर्स हमारे लिए एक असेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गए। सेल्स एक रेवेन्यू अकाउंट है इसलिए ये क्रेडिट हो गया, तो डेटर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉई यानी परचेजर अपनी बुक में क्या एंट्रीज करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट मतलब परचेज एक एक्सपेंस का अकाउंट है तो डेबिट हो गया, और क्रेडिटर हमारे लिए एक लाइबिलिटी है क्योंकि हमें फ्यूचर में उन्हें पेमेंट करना होगा, तो ये क्रेडिट हो गया। तो ये नॉर्मल क्रेडिट सेल्स की एंट्री या क्रेडिट परचेज की एंट्रीज थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब एक बार सेल हो गई यानी उधार पे गुड्स बेच दी गई, अब नेक्स्ट बात आती है कि ड्रॉइंग और एक्सेप्टिंग द बिल, यानी अब हम एक बिल को ड्रॉ करेंगे और उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो बिल को ड्रॉ करने की क्या एंट्री होती है, पहली बात बिल ड्रॉ कौन करता है, ड्रॉअर यानी सेलर या फिर हमारा क्रेडिटर, और बिल एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉई यानी हमारा परचेजर या हमारा डेटर। सो बिल ड्रॉ करने की क्या एंट्री होती है, ड्रॉअर की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। हमने बात करी थी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रॉअर के लिए एक असेट है, तो ये उसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगी। बिल्स रिसीवेबल एक असेट है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो गया, और डेटर्स का अकाउंट अब रिड्यूस हो रहा है, एक असेट रिड्यूस हो रहा है इसकी जगह, तो ये क्रेडिट हो गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर्स ड्रॉई के बुक्स में, ड्रॉई यानी हमारा डेटर के लिए ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होती है ये एक लाइबिलिटी होती है क्योंकि उसे पेमेंट करना है, तो उसके लिए ये बिल्स पेबल हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। मतलब क्रेडिटर तो हट गया, उसकी जगह एक लाइबिलिटी आ गई बिल्स पेबल अकाउंट की। क्रेडिटर लाइबिलिटी है जो अब नहीं रही तो वो डेबिट हो जाएगी, और बिल्स पेबल एक नई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये क्रेडिट हो गई। ये एंट्री थी ड्रॉइंग और एक्सेप्टिंग द बिल की, यानी जब हम बिल को ड्रॉ या एक्सेप्ट करेंगे तो ड्रॉअर की बुक्स में ये एंट्री पास होगी और ड्रॉई की बुक्स में ये एंट्री पास होगी। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ द बिल, यानी अब जब बिल मच्योर हो गई, जब उसके पेमेंट का टाइम आया तो क्या एंट्रीज होंगी। तो एंट्री होगी ड्रॉअर को तो पैसे मिलेंगे इसलिए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल हमारा एक असेट था, बट अब जब उसके अगेंस्ट हमें कैश मिल गया तो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया, तो एक असेट रिड्यूस हो गया इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है, और कैश एक असेट है, हमें कैश रिसीव हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए कैश डेबिट हो गया। ड्रॉई भाई हमें पेमेंट करेगा तो उसके लिए तो कैश कम हो जाएगा, तो वो पेमेंट की एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्स पेबल उसकी एक लाइबिलिटी थी जिसका अब उसने पेमेंट कर दिया, तो अब उसकी ये लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो लाइबिलिटी जब कम हो जाती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश उसने पे किया है यानी उसका असेट एक रिड्यूस हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्रीज थी बिल ऑफ एक्सचेंज की, थोड़े से हमने ट्रांजेक्शन बेसिक ट्रांजेक्शन देखे। तो ड्रॉअर के बुक्स में एंट्रीज और ड्रॉई की बुक्स में, आपको दोनों की बुक्स में एंट्रीज आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में या एग्जाम में हमारे किसी की बुक्स की एंट्री भी वो पूछ सकता है। सो आई होप आपको एक अकाउंटिंग एंट्री समझ आई होंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया, एंड स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।